राइजिंग पुणे सुपर जायंट को उसके दूसरे ही सत्र में फाइनल तक ले जाने के बाद आईपीएल 10 के खिताब से मात्र एक रन से चूके कप्तान स्टीव स्मिथ ने निराशा जताते हुए कहा कि उन्होंने इस तरह लीग का अंत करने के बारे में नहीं सोचा था। पिछले करीब चार महीने से भारत में रह रहे स्मिथ ने यहां अपने आखिरी मुकाबले के बाद कहा कि इस हार को पचाना आसान नहीं है, मुझे गर्व है जिस तरह से पूरी टीम ने टूर्नामेंट में प्रदर्शन किया और मैं समर्थन के लिए अपनी फ्रेंचाइजी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इस हार से मैं निश्चित ही काफी निराश हूं। ये फेयर टेल फिनिश तो बिल्कुल नहीं है, हम इस तरह से लीग का समापन नहीं करना चाहते थे। स्मिथ ने मैच को लेकर कहा कि मुंबई ने 129 का कम स्कोर बनाया था, लेकिन इस विकेट पर रन बनाना मुश्किल था और ये हर कोई देख सकता था, लेकिन हम भी इसमें पिछड़ गए। हमारे पास विकेट बचे हुए थे, हमें केवल एक या दो अच्छे ओवरों की जरूरत थी, लेकिन इसका श्रेय मुंबई को जाता है जिन्होंने हमें वापसी नहीं करने दी। कप्तान ने कहा कि मुंबई ने कमाल का खेल दिखाया और आईपीएल में मेरा बढ़िया अनुभव रहा। मैंने इस टूर्नामेंट से काफी कुछ सीखा है। हमें नहीं पता कि अगले सत्र में हम कहां होंगे, इसलिए अब तक के सफर के लिए मैं अपनी फ्रेंचाइजी का शुक्रगुजार हूं। आपको बता दें, आईपीएल की दो टीमों राजस्थान और चेन्नई के दो साल के बैन की वजह से लीग में दो नई टीमों पुणे और गुजरात को शामिल किया गया था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि अगले सत्र में पुरानी टीमों की वापसी के साथ इन दो टीमों का क्या भविष्य होगा। पोर्ट्सार की रिपोर्ट।